Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. A car is passing with a speed of 10 meter per second on the curve of a road. If the coefficient of friction is 0.5, then find out radius of the curve. Small g is 10 meter per second square. तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो है स्पीड विच इज वी 10 मीटर पर सेकेंड. Coefficient of friction, which is mu s, is 0.5, and acceleration due to gravity g 10 meter per second square. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो छोटे छोटे से फॉर्मूले याद रखने हैं. देखिए, जब भी एक रोड कर्व होगी और वहां पर कोई भी अगर कार मूव होती है तो बेसिकली वहां पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स तो लगेगा ही, जो कि हमारा होगा एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. और ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू एम जी. तो अब हम इन दोनों को यहाँ पर इक्वेट करते हैं और इससे हमारा फॉर्मूला बनेगा एफ सी इज इक्वल टू एफ, ये हमारा है एम वी स्क्वायर बाय आर एंड इट इज म्यू एम जी. ओके, सो एम से एम होगा हमारा यहाँ पर कैंसिल और हमें निकालना है आर. तो वी स्क्वायर बाय म्यू जी इज इक्वल टू आर. ओके, सो नाउ हमारे पास जो भी वैल्यूज अवेलेबल हैं उनको हम यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आने वाला है. सो वी इज 10, सो इट इज 10 स्क्वायर, म्यू इज 0.5 एंड जी इज 10. तो ये हमारा बनेगा यहाँ पर आर. तो नाउ अब पूरा सॉल्यूशन होने के बाद हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी इट इज 20 मीटर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.